करता हूँ और आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा एमपीपीएससी का सिलेबस, और ये एमपीपीएससी का जो सिलेबस है एमपीपीएससी का, ये यूनिट नंबर 6 है। एमपीपीएससी का सिलेबस सोशल वर्क में यूनिट नंबर 6 है। मैंने आप लोगों से समाज के कमज़ोर वर्गों के बारे में बता चुका हूँ, बच्चों को और महिलाओं के वृद्धजनों की नीति के बारे में बता चुका हूँ, स्वास्थ्य नीति के बारे में बात कर चुका हूँ, शिक्षा नीति के बारे में बात कर चुका हूँ। आज की जो टॉपिक है ये लास्ट होगी, आज आपका मैं समाप्त करूँगा आवास और पर्यावरण की नीति, रोजगार एवं श्रमिक कल्याण के बारे में, और उसके बाद आप लोगों के लास्ट में बताऊँगा CSR क्या होता है। और यही CSR है जिसको आप सामाजिक विकास के लिए एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के नीति में बात करते हैं, तो यही CSR कहलाता है। निगमित का मतलब होता है एक प्रकार से नियमबद्ध से या क्रमबद्ध तरीके से किसी समाज के उत्तरदायित्व को, या कोई भी समाज की जो नीति है या कार्यक्रम है, जो योजना है, जो उसको सही तरीके से संचालित हो रहा है तो वह समाज का विकास हो रहा, उसका एक पार्ट लिया गया है CSR का। तो मैं आज इन तीनों के बारे में चर्चा करूंगा एक एक करके, और इसके बाद आप लोगों का ये जो टॉपिक समाप्त हो जाएगा, तो इस टॉपिक से आप लोगों का होगा कल MCQ प्रैक्टिस होगा, मैं कल प्रैक्टिस करवाऊंगा इससे संबंध में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पहला हमारा आवास और पर्यावरण के बारे में। तो मैं आप सबसे कुछ चीज़ के बारे में पहले बता दूं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए इस बात को, कि एक शब्द यहाँ पर MPPSC में सिलेबस में मेंशन किया गया है आवास। तो एक आवास का जो मतलब होता है कि आप सभी लोग जानते भी हैं, आवास का मतलब हाउसिंग से होता है। तो यानी किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता हो सजीव, तो उसको हम नाम देते हैं कि यह एक आवास है ना। तो अपने भोजन, वायु और स्थल या अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर वो निर्भर हो जाता है, ठीक है। तो आवास कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तालाब में जो मछली है, तो तालाब में वो मछली का निवास स्थान क्या हो गया भाई, बताइए जरा, वो मछली का निवास स्थान क्या हो गया? क्योंकि तालाब मछली, जो तालाब में मछली है, तो उस मछली का आवास स्थान तो तालाब ही होगा, बात सही है कि नहीं, बताइए जरा। सर हाँ, तो हमारा घर जैसे हमारा निवास स्थान है, तो हमारा घर जो है हमारा निवास स्थान में जाएगा। तो यहाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से चाहे आप मनुष्य की बात करें या किसी जीव जंतु की बात करें, है ना, वो सबके एक आवास होते हैं सभी के, ठीक है। तो हमारे लिए हमारा घर आवास बन जाता है, और चिड़िया की बात करूँ, पक्षी की बात करूँ, तो उनके लिए उनका पेड़, ठीक है, इत्यादि चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, वह एक आपका आवास हो जाता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में था आपका आवास। तो आवास बेसिकली अगर कभी प्रश्न बनाए आपसे, तो आवास आप लोग याद रखना, एक होता है जलीय, एक होता है जलीय आवास, और एक होता है आप लोग सुना भी होगा नाम स्थलीय। तो अब ये दोनों शब्दों से ही पता चल रहा है कि ये आवास दो टाइप के होते हैं भाई, एक जलीय होता है एक स्थलीय होता है, बताइए जरा। यहाँ पर स्थलीय आवास से क्या मतलब आप लगा रहे हैं, बताइए जरा, स्थलीय आवास से आप क्या मीनिंग निकाल रहे हैं? थोड़ा सा क्लास लंबी चलेगी, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है भाई। तो इसलिए थोड़ा सा समझ कर भी आप लोग जवाब भी मुझे बताइए जरा, क्या हो सकता है स्थलीय आवास, बताइए। जो स्थल पे रहते हैं हाँ, जो जीव जंतु की बात हो रही है, जो जीव जंतु स्थल पर रहते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि स्थलीय आवास यानी स्थल अथवा जमीन पर पाए जाने वाले, जैसे पौधों की बात करूँ, जंतुओं की बात करूँ, तो उनके आवास को हम लोग बोल देते हैं कि यह भाई स्थलीय आवास हो जाता है, ठीक है। तो ये समझना है आप लोगों, थोड़ा कॉपी भी आप लोग साथ में रखिएगा, कॉपी पेन, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे आज आपको ये पता चलेगा कि आज आपने पढ़ा क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप लोग रफली अपने कॉपी पर मेंशन करते चलिए, आवास है आपने क्लियर कर लिया है, फिर उसके बाद आपने स्थलीय आवास को क्लियर कर लिया, फिर आपने जलीय आवास को क्लियर कर लिया, ऐसे आप अपने कॉपी पर मेंशन करते चले लिखा करें, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा आप लोगों का, है ना। तो ये हो जाएगा आपका स्थलीय आवास के बारे में। अगर मैं आपसे जलीय आवास की बात करूँ, तो जलीय आवास जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के आवास को हम लोग बोल देते हैं जलीय आवास। जलीय आवास का मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल से माध्यम से बताऊं, जैसे दलदल, नाम सुना दलदल, कच्छ करण आपने नाम सुना होगा राजस्थान में,
है वहाँ पे दलदल, ठीक है। तो दलदल की जो स्थानें होती वहाँ पर भी जो एक प्रकार से जलीय आवास का पार्ट माना जाता है, वो भी एक एग्जांपल। झील की बात करूँ, नदियाँ की बात करूँ, समुद्र जलीय की बात करूँ, ठीक है, जलाशय की बात करूँ तो जलीय में आ जाता है, ठीक है। ये उसके एक एग्जाम्पल के रूप में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, हमारा MPPSC में पूछा जाता है आवास को लेकर, तो आवास में कहाँ से प्रश्न बनाएगा ये बनाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावरण नीति, यह जो है N, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, NUHHP करके अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोग तुरंत बता देना कि नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड इन्वायरमेंट पॉलिसी है ये, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनाएगा आपसे MPPSC में। और आपको एक बार बताऊँ, इसकी हिंदी देख भी रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है, राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावरण नीति 2007 की है। इसमें कुछ बातें कही गई थी, उन बातों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और हमें फिर उसके बाद आसानी से ये बातें जो है समझ में भी आने लगेंगी। तो आप यहाँ पर देखिए, ये इस पॉलिसी में क्या बातें कही गई है। तो बेसिकली आप नाम में ही पता चल रहा होगा कि शहरी आवास लिखा हुआ है। तो ये जो शहरी क्षेत्रों के बदलते सामाजिक आर्थिक मानदंड थे, जो आवास को बढ़ती मांग थी उससे संबंधित था, उन पे हमें क्या करना था, सुधार करना था। और मैं बात करूँ आप लोगों से तो उन्हीं में कार्यक्रम, योजनाएं, नीतियाँ इत्यादि चीज़ें जो चीज़ें थी वो शहरी क्षेत्रों में ही लागू करनी थी। और उसी के वजह से जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनमें क्या हो जाए, सामाजिक आर्थिक और नैतिक या भाषाई विकास हो सके, इस तरीके क्रियाविधि जो है की गई थी कहाँ पर, 2007 में। वो थी राष्ट्रीय शहरी आवास को लेकर, ठीक है। जैसे जो लोग शहर में रह रहे होंगे तो उन लोगों को पता भी होगा कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो रेलवे स्टेशन पे ही सो जाते हैं, ठीक है। कुछ मलिन बस्ती के लोग होंगे, उनके पास मकान ही नहीं होगा, है ना। आप लोग समझ रहे नहीं मेरी बात, बताइए जरा। तो वहाँ मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो राष्ट्रीय शहरी आवास पर्यावास नीति है, इसमें बात की गई थी उन आवास को लेकर, ताकि उनका क्या किया जा सके, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उनको समाज में लाया जा सके, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके, इस तरीके की क्रियाविधि जो है वो NUHHP करती थी, याद रखिएगा। बताइए, राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, आपको यही ध्यान रखना है कि आर्थिक और सामाजिक मानदंड, मानदंड का मतलब होता है एक प्रकार से उसकी वैल्यूज के बारे में बात करना, उसकी वैल्यूज के बारे में बात करना। तो मैं एक चीज बता दूं, एक बात आप लोगों को, कि भारत सरकार आवास को, आवास की जो बढ़ती कमी थी, आवास को बढ़ती कमी, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मलिन बस्तियों में उनके पास आवास ही नहीं होता था, इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने उसको मार्गदर्शन प्रदर्श एक प्रकार से प्रदर्शित किया, मार्गदर्शन दिया। और जब मार्गदर्शन की बात मैंने कर दिया तो एक आपके सामने एक प्रश्न बनता है। देखो मैं कह रहा हूँ कि क्लास आपकी 1.5 से 2 घंटे चल सकती है, इसलिए कॉपी पेन जरूर लिखी बैठिएगा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप पढ़े जैसे तो ऑटोमेटिक कुछ चीजें याद आती हैं, तो जब याद आती है उसे लिखा करें। तो जैसे मुझे एक चीज याद आ गई यहां पर कि सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा कब की गई थी, कोई बता सकता है मुझे क्या? सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा कब की गई थी, कोई बता सकता है मुझे? नो सर चलो नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय शहरी आवास या पर्यावास नीति तो बेसिकली 2007 में उसका मॉडिफिकेशन हुआ 2015 में भी, लेकिन सर्वप्रथम जब उसकी घोषणा की गई थी मई 1988 में, लिख लीजिए 1988 में, 1988 में। तो भारत सरकार ने आवास को बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या कार्यनीति के माध्यम से इस कार्य को संचालित किया था, ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब वर्तमान में जिसे आप लोग जानते हैं, आज वर्तमान में जिसे आप जानते हैं उसे कहा जाता है, वही आवास नीति है जो घोषणा की गई थी मई 2000 सॉरी 1988 में,
वही नीति है जो वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति के नाम से जाना जाता है, और वो है आपका 2007 में जो लागू की गई थी। हालांकि आपको मैं बता दूं, थोड़े बहुत परिवर्तन भी हुए, चेंजेस भी हुए 2015 में, 2015 में, लेकिन कुछ खास सरा ये प्रकाश आप ये कह लीजिए कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन ना होने की वजह से, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना होने की वजह से उस पॉलिसी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, और ये एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछने वाला है वो आपसे 2007 से ही पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो फिर मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहता है कि इस नीति के अंतर्गत सभी के लिए वाहनी आवास, विशेष रूप से शहरी गरीबों के लिए, कि जो लक्ष्य पाने के लिए सार्वजनिक निजी और भागीदारी को विभिन्न प्रकार से बढ़ावा देने की बात की थी, विभिन्न प्रकार से बढ़ावा देने की बात की थी। आवासों को भारी कमी और केंद्र और राज्य सरकार के पास बजट की कमी के कारण, और वही जो आप लोग देख रहे हैं NUHHP 2007 में विभिन्न प्रकार से पथ धारक, ये देखिए जरा पथ धारक लिखा हुआ है, ठीक है, पथ धारक और निजी क्षेत्र में, कॉरपोरेशन क्षेत्र में, श्रमिक आवास में, औद्योगिक क्षेत्र में, कर्मचारियों के आवास के लिए, सेवा संस्थागत क्षेत्र और उसके और विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया गया। तो अब तो इतनी बात तो आपको मैंने समझा दिया है, अच्छे तरीके से भी समझ में शायद आ भी गया होगा कि ये क्या है आपके सामने जो राष्ट्रीय शहरी आवास पर्यावास नीति है, जिसको आप पर्यावरण भी बोलते हैं या पर्यावास भी बोलते हैं, दोनों बात एक ही है, सिमिलर है। और ये बात करता है किसको लेकर, आर्थिक चीज़ों को लेकर, सामाजिक चीज़ों को लेकर, उसको बढ़ावा देने की बात करता है। हाँ, उसको बढ़ावा देने की बात करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन आ रहा भी, चलो हाँ आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शहरी और आवास पर्यावास नीति को लेकर भाई, है ना मंजू मैडम, ये जो क्लास है MPPSC का क्लास है, ठीक है, और आप लोग क्लास जो है इस समय ऑफ कर दी गई है, ठीक है, ये मंजू जी आपकी क्लास ऑफ चल रही है, MPPSC क्लास है, ये क्लासेस चलेगी लगभग 1.5-2 घंटे चलेगी ये क्लासेस, हैं तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो यह एक प्रकार का जो है शहरी और आवास पर्यावास जो है नीति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से मैंने तीन बातें आप लोगों को बताई, तो अब याद रखिएगा आप लोग, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि NUHHP जो 2007 का है वो क्या बात करता है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य यही है कि आर्थिक और सामाजिक चीज़ों में अग्रसर या मार्गदर्शन देना, इस बात तो आपको ये ध्यान रखनी होगी। दूसरी बात, ये जो नीति आई सबसे पहले उसका नाम क्या था, इसका नाम था आवास नीति, और ये स्टार्ट कब की थी, 1988 में, 1988 में मई में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा 1988 में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय शहरी आवास पर्यावास या पर्यावरण नीति के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है NUHHP 2007। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, इतनी बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इसके अगले क्रम पे आप लोगों से चर्चा करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कहता है कि इसका जो कार्य योजना का उल्लेख किया गया, ये किया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अब ये जरूरी नहीं कि केवल केंद्र सरकार की ये भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है, नहीं भाई। तो ऐसी कंडीशन पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर राज्य सरकार की भी भूमिका होती है और केंद्र सरकार की भी भूमिका होती है, दोनों की भूमिका होती है, ठीक है। और ऐसे शहरी आवास या सहवर्ती राज्य या शहरी आवास या पर्यावास कार्य योजना तैयार भी किए जाते हैं, और साथ ही साथ लोगों को मोटिवेशन भी दिया जाता है, लोगों को सहायता भी दिया जाता है, और ये काम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। चाहे आप कोई नीति बना के काम कर रहे हो, चाहे आप कोई योजना बना के काम कर रहे हो, चाहे आप कोई कार्यक्रम बना के काम कर रहे हो, ये सारी क्रियाविधि जो है राज्य और केंद्र सरकार करती है, और कहाँ पे करती है, NUHHP के माध्यम से करती है। बस इतनी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है भाई। आगे हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कुछ की गई है कार्रवाई, कार्रवाई का मतलब होता है एक्शन से, कार्रवाई का मतलब होता है एक्शन से। तो आप लोगों को पता, तो एक चीज़ तो भलीभांत तरीके से पता होगा कि मानव पर्यावरण पर एक स्टॉकहोम सम्मेलन है जो 1972 में जागरूकता के परिणाम स्वरूप जो है कार्य किए गए थे, और वो कार्य था पर्यावरण संरक्षण को लेकर।
अच्छा पर्यावरण संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो सोशल वर्क में क्या बातें कही गई कि औद्योगिक और नगरीकरण और शहरीकरण को लेकर, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र को एक असंतुलित कर दिया जाता है, जिसकी कंडीशन से या जिसके आधार पर आप ये भी बात कर सकते हो कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है। तो जब पर्यावरण प्रदूषण को आप रोकेंगे तो व्यक्ति जाहिर सी बात है उस समाज में या समुदाय में या समूह में प्रयास करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन होती है कि नहीं होती, जरा मुझे बताइए, ऐसी कंडीशन होती है कि नहीं होती है भाई? अगर जहां पर पारिस्थितिकीय तंत्र जब असंतुलित हो जाता है तो सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है कि उस पर्यावरण में जो नकारात्मक चीजें हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है, प्लस में जो भी सेवार्थी हो, जो समुदाय हो, जो समाज है, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी समूह है, उसको सकारात्मक तरीके से वो क्या करता है, उसको स्थापित करने की कोशिश करता है। रीजन यही है कि वो नेगेटिव कार्य को दूर करता है। इस तरीके की क्रियाविधि जो है स्टॉकहोम सम्मेलन में सबसे पहले जागरूकता के माध्यम से 1972 में चलाया गया था। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, तो एक चीज याद रखना कि मानव और प्रकृति में एक दूसरे से लगभग, मैं अगर आपसे बात करूं तो यहां पर लगभग एक दूसरे से ही लिंक है। देखिए, एक तो एक चीज आप जानते भी होंगे भलीभांति तरीके से, आप सबको पता भी होगा ये चीजें कि पर्यावरण में मानव निर्मित या मानव जनित पर्यावरण के रूप में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर मानव द्वारा जो चीजें बनाई जाती है वह एक प्रकार से क्या होता है, मानव जनित के रूप में जाना जाता है। जहां प्रकृति, क्या प्रकृति के आधार पे जो मानव होता है उसको हम एक साम्यवाद के रूप में जानते हैं, साम्यवाद के रूप में जानते हैं। तो समाज कार्य में व्यक्तिक आधार पर या समूह के आधार पर या समुदाय के आधार पर व्यक्तियों की सहायता करने की एक प्रक्रिया के रूप में, जिसमें व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके और उसके माध्यम से सेवार्थी जो है, जो जो सेवार्थी हो या जो समुदाय हो, जो समाज हो, जो सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सके और उसमें सक्षम हो सके, इस तरीके की क्रियाविधि जो है सामाजिक कार्यकर्ता करता है पर्यावरण में, ताकि वो अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर सके। ये मैं बात कर रहा हूँ सेवार्थी की बात कर रहा हूँ, समस्या सॉल्व करने के लिए, और वो करेगा। और ऐसा क्रिएटिव वातावरण तैयार करने वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा सोशल वर्कर, वो होगा सोशल वर्कर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। तो समाज कार्य में सभी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक जो भी कारक होगा उसका एक एक तरीके से निरूपण करेगा। निरूपण का मतलब एक प्रकार से वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, उसका क्रमबद्ध बनाएगा, और देन उसके बाद वो क्या करेगा, जब निरूपण कर लेगा तो उसके बाद उस व्यक्ति को पर्यावरण या परिवार या समुदाय या समाज को जो भी जो भी क्रियाविधि है, जो फैक्ट है, जो प्रभावित कर रहा है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव कर रहा है तो उसको दूर करने की कोशिश करेगा, अगर वो पॉजिटिव कर रहा है तो उसको वांछनीय के रूप में उसको बढ़ावा देने की बात करेगा। तो ये एक्शन की क्रियाविधि होती है। तो इसी एक्शन में राज्य सरकार ने कुछ अधिनियम पारित किए थे नीतियों को लेकर, जो आपको पर्यावरण और समाज कार्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो पर्यावरण और समाज कार्य का जो कारण होता है वह बेसिकली जागरूकता का रूप देखता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या करता है, पर्यावरण या आवास की नीति या पॉलिसी की बात करूंगा तो सबसे पहले क्या करेगा भाई, जागरूकता पैदा करेगा लोगों के अंदर, फिर उसके बाद वो ज्ञान की बातें करेगा, देन उसके बाद मनोवृत्ति की बात करेगा, देन उसके बाद कौशल की बात करेगा, देन उसके बाद आपकी सहभागिता के बारे में बात करेगा, और उसके बाद वैज्ञानिक उपयोग के बारे में बात करेगा। ये सारे के सारे जो कार्य हैं पर्यावरण और समाज कार्य के कारण के रूप में देखने को मिल जाते हैं हमें। तो आपको पता होना चाहिए ये कि जागरूकता क्या है, ज्ञान क्या है, कौशल क्या है, मनोवृत्तियां, मनोवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, है ना, और सहभागिता क्या है, वैज्ञानिक उपयोग क्या है, ये सारी की सारी क्रियाविधि जो होता है सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, समाज में वो चीजें प्रयोग में लाता है। तो किसी चीज का जब मुझे अध्ययन करना पड़ेगा तो मैं इन चीजों के बारे में जानूंगा कि वो उसके अंदर जागरूकता कितनी है, उसके अंदर ज्ञान कितना है, वो कौशल कितना कर सकता है, वो कितना सहभागिता के साथ वो समाज में, समूह में, समुदाय में अपनी भूमिका निभा सकता है, वैज्ञानिक उपयोग किस तरीके से वो कर रहा है। तो हम इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं, और ये जानकारी लेते हैं समुदाय से, समाज से और व्यक्ति से। ठीक है, बात तीनों एक हो जाती है यहाँ पर। बताइए एक बार, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ज्यादा तेज तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जरा मुझे बताइएगा भी। हाँ चलो फिर, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आप यहाँ पे समझिएगा।
तो आप जरा मुझे बताइए, अब यहाँ पे जो नीति बनाई गई, अब इन नीतियों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं आवास और पर्यावरण नीति में, तो ये एक नीति आती है राष्ट्रीय वन नीति। चलिए, अब मैं आपसे ज़्यादा यहाँ पे डीप पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ कि भाई सारी चीज़ें पढ़ा दो, वो चीज़ नहीं। राष्ट्रीय वन नीति में मैं उतनी चीज़ें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कॉपी पेन तो आप साथ में लेकर बैठे ही हैं, बस जो चीज़ें मैं बोलूंगा उसको आप लिखना है, आप लोगों को वही आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा मुझे बताइए जरा कोई एक दो लाइन में कि राष्ट्रीय वन नीति है क्या चीज़। राष्ट्रीय वन नीति 1988, ठीक है भाई, बताइए क्या है ये, बोलिए बोलिए। वन को संरक्षित करने के लिए सुधारे ठीक है भाई, एक हिसाब से गए इनका, नीति वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा बताया आपने। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रीय वन नीति में जो 1988 का है उसको हम बोलते हैं NFC भी बोलते हैं। अब NFC, ठीक है, NFP होगा, है ना, ठीक है। जैसे आपने बोला नेशनल बोल दिया, फॉरेस्ट बोल दिया और पॉलिसी बोल दिया, तो ये 1988 का है। अभी शायद आप लोगों को मैंने सबसे पहले एक शब्द बोल दिया था कि भाई जो सबसे पहली आवास नीति थी वो आवास नीति भी 1988 का है और राष्ट्रीय वन नीति भी 1988 का है, दोनों चीज़ें एक साथ याद रखना। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, मैं आपको यही बताऊंगा जो ये प्रश्न बनाएगा आप लोगों से एग्जाम में। तो आप अगर एक लाइन दो लाइन में लिखना चाहते हैं तो अपने कॉपी पर मेंशन कर लीजिए। कहता है ये कि पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन को, पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन की जो स्थिरता है और रखरखाव है उसको सुनिश्चित करता है, उसको सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वो आर्थिक लाभ देता है समुदाय को, समाज को और व्यक्ति को। और इस नीति के अंतर्गत अगर मैं एक व्यापक लेवल पर बात करूं तो ये महिलाओं सहित लोगों की भागीदारी पर भी जोर देता है, तो महिलाओं सहित भागीदारी लोगों पर जोर देता है। तो ये बात आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो बस आपका इतनी ही चीजें ध्यान रखनी है और ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, राष्ट्रीय वन नीति क्या है। यहां इससे आगे आप लोगों को कोई चीज के बारे में जानकारी ही नहीं लेनी है, ठीक है, ये इसके बारे में, यानी पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उन समस्याओं को एकमात्र, अगर मैं बात करूं तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि पौधारोपण की बात किया जाए। यह क्रियाविधि भी, पौधारोपण की जो क्रियाविधि है ये भी राष्ट्रीय वन नीति 1988 में की गई थी। बात बस इतनी बात क्लियर होगी तो जरा मुझे कंफर्म करिए भाई, आगे बताइए जरा। मतलब चलो बस, अब मैं आपसे एक और नीति की बात करता हूँ, दूसरी नीति है आपके सामने यहाँ पर, राष्ट्रीय जल नीति 1990। चलो बताइए क्या है ये, बोलिए बोलिए ये क्या है, जल को संरक्षित करना। जल को संरक्षित करना। चलिए ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिए। देखिए पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो राष्ट्रीय जल बोर्ड है या राष्ट्रीय जल नीति जो है, ये इसका जो गठन किया गया था सितंबर 1990 में किया गया था, सितंबर 1990 में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता सचिव जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई थी। और इसमें जो है संघ और राज्य के जो क्षेत्र थे उनके जो मुख्य सचिव थे उनसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के माध्यम से इसका यहाँ पर जो है इस जल आयोग के जो अध्यक्ष थे उनकी नियुक्ति की जाती थी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि केंद्रीय मंत्रालय के जो सचिव थे जो केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति करते थे वो राज्य और संघ के क्षेत्रों के मुख्य सचिव से संबंधित हुआ करता था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है भाई। राष्ट्रीय जल नीति जो था एक प्रकार से, अब अगर मैं हाल ही की बात करूँ तो जो नीति आयोग के अनुसार बात की गई थी, तो भारत ने पहली बार जल संकट का सामना जब किया था तो उस समय कुछ उपचारात्मक कुछ क्रियाविधि को भी रखा था, तो उसको उसके लिए उसने 2030 तक देश में पीने योग्य जल की कमी के बारे में भी चर्चा की गई थी वहां पर,
ठीक है, तो ये इसके परिपेक्ष में एक न्यू वाटर पॉलिसी के रूप में भी आया। तो सरकार ने जब न्यू वाटर पॉलिसी के रूप में ले आया, तो उससे जुड़ी जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को क्या किया, समाधान करने की बात किया, और ये इस नीति में किया गया था। तो भारत की, अगर प्रश्न आपसे बने कि भारत की पहली जल नीति कब थी, तो पहली जो जल नीति थी वो आपकी थी 1987 की थी। ठीक है भाई, पहली जो जब 1987 की थी, और उसके बाद वर्ष 2002 में भी आया, वर्ष 2002 में भी आया। ठीक है, फिर उसके बाद इसी नीति को संशोधित कर दिया गया, और वो नीति 2012 में भी आया। तो अब यहाँ पर मैंने तीन बातें बताई है इस राष्ट्रीय जल नीति के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो याद रखा करें आप लोग, ये जो जल नीति थी राष्ट्रीय लेवल का, वो आपका 1990 थी, ये आप भी ध्यान में रखेंगे, 1990 का। लेकिन आप लोगों से अगर अब का प्रश्न बनेगा, तो वो प्रश्न बनाएगा 2012 की नीति को लेकर, 2012 को लेकर बताएगा, क्वेश्चन बनाएगा आप लोगों से जल नीति का। चलिए एक बार जरा मुझे बताइए, क्या इस जल नीति के परिपेक्ष में आपको ये बातें समझ में आ गई, बताइए। जी सर, हाँ, तो ये जल से संबंधित, ठीक है, याद रखेंगे आप, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का देश अधिकांश नदियों के संरक्षण के काम सौंपा गया, तो वह एक प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो है इसको जोड़ा गया था एक प्रकार से, है ना। तो जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय, ठीक है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, इत्यादि मंत्रालयों के माध्यम से जो है जल, राष्ट्रीय जल नीति के माध्यम से लोगों का कल्याण करने की बात की गई थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रदूषण के उपशमन के लिए राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय नीति वक्तव्य, ठीक है, वक्तव्य 1992। चलिए बताइए जरा, प्रदूषण के उपशमन के लिए भारतीय राष्ट्रीय नीति वक्तव्य 1992 क्या है, ये बताइए जरा। बोलिए, नहीं पता। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका पर्यावरण के संबंध में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है भाई, पर्यावरण के संबंध में जो आप लोगों से बात कर रहा हूं, बेसिकली ये था, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय नीति वक्तव्य का मतलब आप कुछ और ना समझकर आप ये समझे, एक प्रकार से निवारण और नियंत्रण की बात किया जा रहा है। तो प्रदूषण को नियंत्रित नहीं करना है, मतलब प्रदूषण को कम करना है हमें, प्रदूषण को कम करना है हमें। और इस तरीके की जो नीति थी वो आई थी 1992 में, 1992 में, 1992 में लाई गई थी। पर्यावरणीय कानून को और नियम के संबंध में, नियम के संबंध में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम बनाए भी गए थे, जिनके माध्यम से भारत में पर्यावरण संबंधी कानूनों का निर्माण किया गया, और पर्यावरण प्रदूषण देश में इतना व्यापक नहीं था। जो मैं आपको बताऊं, अधिकांश कानूनों ने अपनी उपयोगिता को खो चुके, और उसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के रूप में योगदान जो है, भूमिकाएं जो निभाई, वो विभिन्न प्रकार से क्रियाविधि के माध्यम से निभाया। तो बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए, नियम बनाए गए। जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न दे दूं, और प्रश्न ये दे दूं कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रक अधिनियम कब आया है, अब ये प्रश्न बनता है अपने आप में। तो याद रखने वाली बात आप लोगों के लिए ये है कि ध्यान रखना, जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रक अधिनियम आया, वो 1974 में लाया गया था, पहले ही लेकर आ गया था। लेकिन ये पूर्ण रूप से जब काम करने लगा, और लोगों पर ये चीज़ें देखा गया कि भाई फर्क भी पड़ रहा है, इफेक्ट भी पड़ा है, तो उसी नाम का प्रदूषण में उपशमन के लिए भारतीय राष्ट्रीय नीति वक्तव्य के रूप में जाना गया इसे। बस इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे कानून हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट कब आया, तो फैक्ट्री एक्ट आप तो जानते होंगे भाई, 1948 में आया है, आपको पता ही है। अगर वायु प्रदूषण नियंत्रण करना है, तो देखो यहां पर मैं बात आप लोगों से कर रहा था जल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर, ठीक है भाई, जहां पे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण की बात किया था, वो 1974 का था, आप देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है मैंने।
और अगर मैं अब आपसे बात करूं कि भाई बताइए जरा मुझे वन को लेकर, वायु, सॉरी वायु के लेकर, तो वायु के लिए भी इस तरीके का एक था प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम था, वो था आपका 1981 था, वो आपका था 1981 था। बस इतनी बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां पर देखिए वही चीज यहां पर भी मेंशन कर दी गई है, और एक चीज यहां पर देखिए कि मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति और कार्य योजना 1994, कौन बताएगा ये? मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति और कार्य योजना 1994 बताइए। देखिए यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसका जो उद्देश्य था 1994 का, औद्योगिक विकास की बात करता था, अधिक पूंजीगत निवेश की बात करता था, संतुलित क्षेत्रीय विकास की बात करता था, लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने की बात करता था, उसको सहायता प्रोवाइड करता था, रोजगार के अवसर प्रदान करता था, और यह नीति थी मध्य प्रदेश की, ठीक है। यह नीति थी मध्य प्रदेश की, ठीक है। याद रखना औद्योगिक नीति और कार्य योजना 1994 के द्वारा जो स्पष्ट की गई थी वो मध्य प्रदेश के ही नीति के अंतर्गत की गई थी, और वो भी औद्योगिक की गति में बात की गई थी, औद्योगिकीकरण की गति में बात की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। यह प्रश्न भी एग्जाम में बनाया जा सकता है, जैसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों या महिलाओं या पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लेकर अगर मैं बात करूं तो इनको एक प्रकार से छूट या प्रावधान की बात करता था। प्लस में अगर मैं बात करूं भूमि, वाहन, मशीनरी, विद्युत स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि की क्रियाविधि पर यह चर्चा होती थी, ठीक है। मध्य प्रदेश आवास नीति कब है बताइए, इसमें क्या बात की गई? मध्य प्रदेश आवास नीति 1995 क्या कहता है बताइए। बोलिए, हेलो, आवाज जा रही मेरी? यस सर। हाँ चलिए, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये जो मध्य प्रदेश आवास नीति है, तो आवास से संबंधित जो भी समस्याएं थी, जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं थी, वो मध्य प्रदेश ने अपनी नीति, अपने मध्य प्रदेश में जो लाई गई थी वो 1995। ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ इस नंबर से लेकर यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मध्य प्रदेश का आप लोग एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से ये ज़रूर ऑप्शन में मिलेगा नाम, ध्यान रखें आप लोग। मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति का कार्य योजना जो है 1994 का है, जिसमें कार्यों के लेकर क्रियाविधि पर बात की गई, यहाँ पर आवास को लेकर आर्थिक और सामाजिक क्रियाविधि के लेकर बात की गई थी मध्य प्रदेश में 1995 में, और ये खनिज नीति की बात की गई थी 1995 में, और मध्य प्रदेश के पर्यटन नीति की बात भी की गई थी 1995 में। ये तीन चार जो वर्ष आपको दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। वही मध्य प्रदेश में जब पुनर्वास को लेकर बात किया गया, लोगों को जागरूकता की लेकर बात किया गया, लोगों को एक प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की गई, इस प्रकार से जो कंटिन्यूअस या सस्टेनेबल तरीके से उनका विकास किया जाए, एक क्रम से एक लक्ष्य के रूप में विकास किया जाए, ऐसी नीति परामर्श को लेकर, पुनर्वास को लेकर वो नीति आई 1996 में, और ये थी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश याद रखना औद्योगिक नीति कार्य को लेकर 1994, और आवास को लेकर 1995, और भारत का तो आपको पता ही भाई कब आया था, 1988 में आया था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। खनिज नीति 1995, पर्यटन नीति जो है 1995, ये भी वही ईयर्स है, और जो नेक्स्ट ईयर्स की बात करूँ तो 1996 है, ये परामर्श को लेकर है। परामर्श का मतलब होता है मार्गदर्शन, ठीक है। और पुनर्वास भी आप कह सकते हो, पुनर्वास का मतलब होता है एक प्रकार से रिहैबिटेशन करना, उसको रिहैब करना, ठीक है, पुनर्वासित करना उसे, ठीक है। कुछ कानून है, कानूनी तौर पे बात किया जाए तो भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 का है, मोटर वाहन अधिनियम जो है 1939 और 1988 में संशोधित किया गया, ये भी है। कारखाना अधिनियम जो है 1948 है, 1987 में संशोधन किया गया। और एमपी, एमपी का मतलब था मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट जो है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर यहाँ पे जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, एमपी पब्लिक हेल्थ एक्ट जो है 1949 जो है, ये आपका सत्य माना जाएगा ये वाला। मध्य प्रदेश का संगीत और शोर नियंत्रण अधिनियम जो है 1951 का माना जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, शोर नियंत्रण अधिनियम संगीत को लेकर, है ना, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप इतना ध्यान रखें, और इससे संबंधित जो है अभी ये जो पीडीएफ थी आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, सारी की सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो मैंने अभी आपसे एक बात बताया था कि राज्य और संयुक्त वन प्रबंधन जैव विविधता संरक्षण के कार्यक्रम में क्रियान्वयन, नई वन नीति जो है कब, ये 1988 जो है 1988 के तहत ही प्रतिबद्ध के अनुसार ये बातें कुछ भी कही गई है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी कही गई है, ठीक है भाई। तो ये हैं आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आप लोगों से जिक्र किया है, क्या आज मैंने आप लोगों से बताया है आवास और पर्यावरण की नीति, ठीक है, पर्यावरण की नीति, और पर्यावरण की नीति आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में सारी की सारी एक क्रम से, जो आप लोगों से मैंने एक एक लाइन भी बता दिया कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। संस्था के रूप में अगर आप देखेंगे पर्यावरण को लेकर, तो आप देखिए राज्य पर्यावरण परिषद मिल जाएगा, आवास पर्यावरण विभाग मिल जाएगा, पर्यावरण योजना और समन्वय मिल जाएगा, ग्राम नियोजन मिल जाएगा, एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी मिल जाएगा, आपदा प्रबंधन संस्थान भी मिल जाएगी। ये संस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे। आप ऊपर देख रहे हैं कानून के आधार पर भी मिल जा रहे हैं आप लोगों को, है ना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से क्या किया गया भाई, आवास और पर्यावरण के माध्यम से लोगों को क्या क्या एकत्र किया गया, लोगों के बारे में बात की गई, लोगों को समाज के मुख्य धाराओं से जोड़ी गई, उनकी समस्याओं को सुना गया, उनको सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक शक्तियों के बाद अगर मैं बात करूँ तो व्यक्तिगत तरीके से भी उनकी मदद भी की गई थी, इन्हीं सारी क्रियाविधि के माध्यम से जो आपके सामने मैंने अभी भी इनके बारे में बताया है। बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों का, बताइए।